आज हमारे घर के बाहर हो रहे इलेक्शन, जीतेगा भाई जीतेगा, टीम बदलाव जीतेगा। तो हमारे जो पापा के चाचा खड़े हुए थे वो फिर हार गए। तो गाइस इस गाड़ी में पंचर हो गया है। अबे यार और सुबह से अभी तक ये काम हुआ है कि सबसे पहले मेरी बैटरी खराब हो गई थी बाइक की। कल मैंने बाइक स्टार्ट करी, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो अभी मैं गया फटाफट बैटरी लेके आया हूँ दूसरी, और फ्री में मिल गई। फ्री में कैसे मिल गई? पापा की कार की बैटरी पड़ी थी पुरानी, वो दे दी, उसके बदले में ये ले ली। तो जिस प्राइस पे वो गई उसी सेम प्राइस पे ये आ गई हमारी नई वाली बैटरी। अभी हम फटाफट पहले बैटरी लगाएंगे और फिर जाएंगे क्लास देने, और बहुत दूर जाना है यार। और ये दीदी बैठ के पी रही है यहाँ चाय। ये हमारी नई दीदी आई है हमारे घर में, तो वो उषा दीदी चली गई है अभी, तो हमारी नई दीदी आ गई है हमारे घर में। तो ये देखो, ये हमारी पुरानी वाली बैटरी जो खराब हो गई, जो बाइक के साथ आती है, ये भी एमरॉन की थी, और अभी मैं ये नई बैटरी लेके आया हूँ। ये भी एमरॉन की है, प्रो राइडर करके। आज हमारे घर के बाहर हो रहे इलेक्शन, और यहाँ पे हमारे बिल्कुल घर के बाहर बन रही है पकौड़ियाँ। और ये हमारे घर के बाहर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मेरे पापा हैं उनके चाचा जी हैं जो, वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो इसीलिए। और ये जो पकौड़े बन रहे हैं ना बिल्कुल घर के बाहर, ये भी उन्होंने ही लगवा रखे हैं। पापा के चाचा मतलब मेरे दादा, मतलब मेरे दादा के भाई है ना जो, वो सबसे पहले किया जाएगा इसको साफ, उसके बाद लगाई जाएगी ये बैटरी यहाँ पे। तो गाइस बैटरी तो लगा दी है, अभी इसको फिट करने से पहले एक बार हम स्टार्ट करके देखते हैं। और देखो ये भी चल गया भाई बैटरी लगाने के बाद, मतलब कि करंट नहीं आ रहा था बैटरी में। और कहीं ऐसा तो नहीं बैटरी इसी की वजह से ख़राब हो रही है? या फिर तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, पहले स्टार्ट करके देखते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मिशन सक्सेसफुल। तो गाइज ये देखो, ये भी दोनों हैं टीम बदलाव के कार्यकर्ता, और ये टीम बदलाव की पकौड़ियाँ खा के आयो। कैसी थी पकौड़ियाँ? मस्ती। जो हमारे चाचा जी की टीम है ना, उनका नाम है टीम बदलाव। पापा भी बाहर पकौड़ियाँ खा रहे हैं, अंदर आ गए। आप बताए, सुबह कह रहे कि भाई कोई भी आए ना बोल दियो, मैं घर में ही नहीं हूँ। कह रहे वरना बाहर ले जाएंगे फालतू में। ये रे टीम बदलाव के कार्यकर्ता। जीतेगा भाई जीतेगा, टीम बदलाव जीतेगा। गाइस, अबे मुंह के अंदर घुसाएगा क्या कैमरा? गाइस सुनो, गाइस सुनो, आगे बोलो। गाइस तुमसे ना हो पाएगा। ये एक बात को बताने में 6 दिन लगा देता है। ये तो जब तक हमारा ब्लॉग 10 मिनट का हो जाता है। वैसे कभी भी अगर हमारे पास ब्लॉग कंटेंट ना हो ना, अगर शॉर्टेज है, तो हम इसको अपने ब्लॉग में रख लेते हैं। इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है मेरे सामने, ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीर डालूंगा ऐसा मालूम। मुंह बन गया इसका। बढ़िया था गुरु। चलो इन सबको छोड़ो, और तो अभी क्लास देने जाना है मुझे यहाँ से, गाजियाबाद थोड़ा सा दूर है जो मैंने आपको बताया था। और आज शाम को भी एक प्लान है, एक रिसेप्शन में जाना है। अभी 50-50 है, देखते हैं जाना है या नहीं जाना है, अभी वो बाद में पता करेंगे। ये टीम भाई 40-3 गाइस, अभी मैंने स्कोर देखा भाई, 40-3 क्या बढ़िया खेला भाई यार। तो गाइस अभी का सीन ये है कि अभी 7:30 बज रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक रिसेप्शन में जाना पड़ सकता है, तो उसी में जा रहे हैं अभी फिलहाल। और अभी डलवाना है सबसे पहले पेट्रोल, क्योंकि आज मैं पापा की कार लेके आया हूँ। और भाई कसम से बहुत बढ़िया खेल रहा है इंडिया भाई, मजा आ गया। आज भी जीतेंगे भाई पक्का, सच में। और हाँ, जीतने से याद आया, मैं जो आप लोगों को दिन में बता नहीं रहा था कि हमारे इलेक्शन हो रहे थे, तो हमारे जो पापा के चाचा खड़े हुए थे वो फिर हार गए। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई वो हर साल खड़े होते हैं और हर साल हार जाते हैं। भाई अभी पापा घर में बैठे हुए थे, तो मैं जब गया था चेंज करने, तो मैंने पापा से बोला, मैंने कहा जीत गई आपकी टीम बदलाव। नहीं जीती, हार गई। वैसे पापा ना इन सब चीजों में रहते नहीं है बिल्कुल भी, उनको इंटरेस्ट भी नहीं रहता। बस वो है कि देखो चाचा है ना पापा के, वो तो इस वजह से उनको साथ में वो करना पड़ता है कि भाई जाना पड़ता है। उनको इस पॉलिटिक्स वगैरह में कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपना मस्त वहाँ टीवी देख रहे थे और टाइम पास कर रहे थे। आज संडे है ना इसीलिए। तो गाइस गाड़ी में पंचर हो गया है। अबे यार मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा हमेशा, जहाँ भी जाओ वहीं पे ही दिक्कत आ जाती है कुछ ना कुछ। तुम दोनों को क्या हुआ भाई?
हाँ ठीक है, लगवा रहा हूँ। तो भैया लगा रहे हैं यहाँ पे पंचर। क्या बोलते भैया इसको, क्या कौन सा पंचर है ये? मशरूम पंचर। ये अंदर से लगता है। बढ़िया भाई, ये कुछ नई चीज सीखने को मिली आज हमें देखने को। गाइज राइट नाउ वी हैव साग मटन, बटर चिकन एंड मटन रोगन जोश, थोड़ी सी कुरकुरी भिंडी और रोटी। शराब उबल ना जाए, मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ धुल जाए।